शिक्षा मंत्री व जिलाधिकारी ने आवास योजना के लाभार्थियों को बांटी चाबियां। उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल व जिलाधिकारी शंभू कुमार ने शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां बांटकर मुबारकबाद दी। विजयनगर के लाल क्वार्टर इलाके में 2 मंजिला मकान गिरा। विजयनगर के लाल क्वार्टर इलाके में लोगों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। सामने देखा तो 2 मंजिला मकान गिरा हुआ था। ऊपर के हिस्से में पति पत्नी और 2 बच्चे रह रहे थे और निचले हिस्से में एक महिला रह रही थी। मौके पर लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। 22 मार्च तक चलेगा किशोरी पोषण अभियान। बलरामपुर के गैसडी ब्लॉक में बालिका पोषण पखवाड़ा, जिसके अंतर्गत 11 वर्ष से 14 वर्ष के सभी किशोरियों का एनीमिया की समस्या का समाधान करने हेतु 22 मार्च तक किशोरी पोषण अभियान चलाया जा रहा है। मंडलायुक्त देवी पाटन, मंडल ने किया बलरामपुर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा। मंडलायुक्त देवी पाटन मंडल में जनपद बलरामपुर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल, शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष रूप से संपादित करने हेतु नियुक्ति नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। मंदसौर के शामगढ़ में पुलिस ने चोरों को पकड़ा। मंदसौर जिले के शामगढ़ क्षेत्र में चोरों की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ा, जिसमें से 2 चोरों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही पकड़ा था। उनमें पूछताछ करने के बाद 3 और शातिर चोरों को पकड़ा गया। शादियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शादियाबाद क्षेत्र में स्थित बाबा सिंह नाथ पेट्रोल टैंकी पर बीते कुछ दिनों कुछ तेल के लेन देन को लेकर पेट्रोल कर्मचारी एवं स्टाफ में मारपीट हुई थी। उसी को लेकर पेट्रोल टंकी के मालिक राजेश सिंह द्वारा FIR दर्ज कराया गया। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में 26 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या। रामपुर मनिहारन में गुरुवार रात 26 वर्षीय एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस अफसर ने किसी तरह मृतक के परिजनों को समझा बुझा कर शांत किया।